अब हम दूसरे सेकंड क्वेश्चन करते हैं जो आपके सामने है बोर्ड पे। देखो, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ cosecant square a प्लस 1, cosecant square a माइनस 1। देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन हम ध्यान से देखेंगे। 3 cot a देखो लिखा हुआ है, इस 3 को क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर दो राइट हैंड साइड में, 4 अपॉन 3, ठीक है। cot a इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosecant square a। इसका मतलब क्या है कि हमें cosecant की वैल्यू तो फाइंड करनी पड़ेगी ना, तो इसके लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे और उस पे हम मेंशन करेंगे जो इसकी रेशियो गिवन है, किसकी इक्वल होती है cot a। जो cot a होती है देखो, वो होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर हाइट। तो अगर हम ए पॉइंट यहां पे रखते हैं, ए बी सी ले लिया मान लो, तो अगर आपका एंगल यहां पर है तो ये आपका बेस होगा, तो बेस होगा तो बेस कितना है 4, ठीक है। इसे हम 4 के भी लिख सकते हैं क्योंकि रेशियो है, तो हम इसको ऐसे शो करेंगे, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर है वो उसको हम लिख लेंगे 3 के। अब देखिए, हमें इसके लिए जो कोसिकेंड है, कोसिकेंड की किसके इक्वल होगा, देखो अगर उसकी रेशियो निकालें, कोसिकेंड ए की रेशियो तो क्या होगी, तो साइन ए जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यानी कि हमें हाइपोटेनियस की जरूरत पड़ रही है इसमें, ठीक है। तो अगर हाइपोटेनियस की जरूरत पड़ रही है तो हमें क्या करना होगा कि हाइपोटेनियस निकालेंगे पाइथागोरस प्रॉपर्टी से। तो देखो, जो AC है ये मान लो हाइपोटेनियस है आपका AC, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर, यहां पे कर देंगे 3 का स्क्वायर। तो यहां से अगर h निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर होगा 16 के स्क्वायर, ये होगा 9 के स्क्वायर, इसको हम ऐसे फाइंड कर लेंगे 25 के स्क्वायर, तो h जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5 के, ये कितना आ गया 5 के। अब हम यहां से हम फाइंड करेंगे कोसिकेंड ए की वैल्यू, कोसिकेंड ए की वैल्यू जो आएगी वो होती है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 5k, हाइपोटेनियस कितना है 5k और परपेंडिकुलर कितना है 3k, यहां k से k कैंसिल होगा तो ये आ गया 5/3। अब इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है कोसिकेंड स्क्वायर की, यहां पे देखो 5/3 का स्क्वायर कर दो प्लस 1 कर दो, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या करेंगे 5/3 का स्क्वायर करेंगे और माइनस कर देंगे 1। तो देखो 5/3 का स्क्वायर होगा 25/9 प्लस 1, 25/9 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करना है तो 25 मल्टीप्लाई करेंगे 9 से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेकर इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। यहां पर भी देखो एलसीएम ले लो, 9 आ जाएगा और ये नीचे देखो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होगा, 25 प्लस 9 होगा 34 और 25 माइनस 9 होगा 60। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 2 के 12 पे कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आएगा आंसर 17/8 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चंस, थैंक यू।